चलो गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून वैदेही, गुड आफ्टरनून ऋषिकेश, ईशा, खुशी, आर्या, बाकी सब लोग किधर है यार? वेर आर दी अदर्स? लुक्स लाइक लॉट ऑफ पीपल मिसिंग टुडेज लेक्चर. ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग, सात आठ लोग अभी लेट हो गए लगता है. इसके पहले के लेक्चर से लेट हो रहे क्या? चलो अपन शुरू कर देते, बाकी लोग आते रहेंगे. ओके. रोटेशनल मोशन में लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. मुझे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का स्टेटमेंट कौन बताएगा? हु विल टेल मी द स्टेटमेंट ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, इसका स्टेटमेंट बताओ भाई जल्दी से फटाफट कोई. तो यूट्यूब पे कौन है वो भी बता सकता है. गुड आफ्टरनून प्रसाद, मानसी, ध्रुव, चलो वेदिका, श्रेया, समृद्धि, क्षितिज, प्रथमेश. हाँ बोलो बेटा प्रथमेश, क्या स्टेटमेंट क्या था? हाँ बोलो बेटा, सुनाई दे रही तुम्हारी आवाज. अमाउंट ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस यस इक्वल सम ऑफ द अमाउंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड कॉन्टैक्ट इज सिंक टू द प्लेन ऑफ बॉडी. यस, बट तुमने प्लेन बॉडी वर्ड यूज किया क्या पहले? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए परपेंडिकुलर एक्सिस प्लेन बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन बॉडी अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस, मतलब उस प्लेन बॉडी को परपेंडिकुलर एक्सिस होना चाहिए. सॉरी, वो मैंने प्लेन फॉर अ प्लेन लैमिना यूज ही नहीं किया. हाँ वो वर्ड इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सिर्फ प्लेन बॉडी के लिए एप्लीकेबल है. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन बॉडी और प्लेन लैमिना अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस इज ऑलवेज इक्वल द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड कॉन्करेंट एक्सिस. वेरी गुड, इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ its moment of inertia is about two mutually perpendicular and concurrent axis passing through plane of the body. ये है स्टेटमेंट ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का स्टेटमेंट है. ये स्टेटमेंट ये कहता है कि तुम्हारे पास अगर कोई प्लेन बॉडी है और उसका अगर तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हो अबाउट ए परपेंडिकुलर एक्सिस, जैसे ये लेट अस से जेड एक्सिस है, तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा आई जेड, इट विल बी सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब ये और ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी है और ये दोनों कॉन्करेंट भी है, मतलब इसी पॉइंट से जाने चाहिए. कॉन्करेंट भी होना जरूरी है और परपेंडिकुलर होना भी जरूरी है. एंड दे शुड ऑल्सो पास थ्रू प्लेन ऑफ द बॉडी, बॉडी के प्लेन में से जाने चाहिए. जैसे इसके अबाउट आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स, इसके अबाउट आएगा आई वाई, देन यू कैन से आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, IX plus IY. Okay. Arya is asking me, sir, क्या इस संडे को टेस्ट है? तो इस संडे को टेस्ट है बेटा. Okay, और वो टेस्ट आप मिस नहीं करोगे. और जैसे कि मैंने बोला था उस टेस्ट में रोटेशनल मोशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ही टॉपिक आएगा, उससे ऊपर नहीं आएगा कुछ. Okay. तो ये हो गया परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम. कल मैंने आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के कुछ एप्लीकेशंस भी बताए थे. इसके एप्लीकेशन में मैंने आपको बताया था, सबसे पहले तो डिस्क के बारे में बोला था मैंने. डिस्क, अगर तुम डिस्क लेते हो, ये भी एक प्लेन बॉडी है, इसकी थिकनेस बहुत कम है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर तुम इस एक्सिस के अबाउट लेते हो तो वो तो हमें पता है वो कितना है, एम आर स्क्वायर बाय टू. लेकिन इस एक्सिस के अबाउट कितना आता है? एम आर स्क्वायर बाय फोर आता है. यहां पर भी अपन ने ये थ्योरम लगा के फाइंड किया था, है ना. यहाँ पे अपन ने ये ऐसे दो एक्सिस लिए, एक्स एक वाई, और एक्स और वाई की एडिशन जेड के बराबर होती है.
और x और y तो दोनों इक्विवेलेंट है, तो दोनों इक्वल थे। सिमिलरली अपन ने रिंग का भी किया था, सही बात है। रिंग का क्या आता है, ये रिंग है तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आता है एम आर स्क्वेयर, और इसके अबाउट जो है वो आता है एम आर स्क्वेयर बाई टू, हाफ हो गया, हाफ, सही बात है कि नहीं। ओके फिर मैंने तुमको ये भी बताया था, वैसे पहले भी बात हो चुकी थी वैसे, रेक्टेंगुलर लैमिना मतलब ऐसा रेक्टेंगल है, ठीक है, और इसका जो लैमिना है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, तो ये इन दोनों के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसकी एडिशन होगी ना, तो इसके अबाउट होता है एम ए स्क्वायर बाय 12, और इसके अबाउट होता है एम बी स्क्वायर बाय 12, उसकी विड्थ ए और लेंथ बी है, राइट। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, ये आई इज इक्वल टू उन दोनों की एडिशन आएगी, एम बाय 12 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये एप्लीकेशंस अपन ने कल डिस्कस किए, एंड आई होप कि आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अच्छे से समझ में आ गया होगा। सर ये हेक्सागन में एप्लीकेबल है क्या? हेक्सागन में मतलब आर यू डू यू मीन टू से प्लेन बॉडी, और डू यू मीन टू से मतलब थिकनेस है उसकी कुछ? नहीं, प्लेन बॉडी। प्लेन बॉडी में हर जगह एप्लीकेबल है, सिर्फ ये एक्सिस परपेंडिकुलर होना चाहिए, इंपॉर्टेंट ये, समझ रहे हो क्या? ओके वैसे बाय द वे आज फ्राइडे है ना? हाँ आज फ्राइडे, कल सैटरडे, कल पेरेंट टीचर मीटिंग होगी यार कल शाम को, टुमारो विल बी पेरेंट टीचर मीटिंग इन द इवनिंग। वैसे टाइम तो मैं कल दोपहर को बता दूंगा, शाम को 8 बजे ही रखेंगे, 8 o'clock, 8 PM। ओके अभी आज अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ओके पैरेलल एक्सिस थ्योरम बहुत इंटरेस्टिंग है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इस रीजन की वजह से, क्योंकि ये थ्योरम जो है ना इट इज एप्लीकेबल टू ऑल बॉडीज, नॉट ओनली प्लेन बॉडीज, लेकिन सॉलिड बॉडी के लिए भी ये एप्लीकेबल है। तो लेट अस से इफ देयर इज अ सॉलिड बॉडी तो उसको उसके लिए भी ये एप्लीकेबल होगा, और प्लेन बॉडी के लिए तो एप्लीकेबल है ही, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का मैं प्रूफ बताने से पहले तुमको एप्लीकेशन बताता हूँ। सबसे पहले स्टेटमेंट बोल देता हूँ, स्टेटमेंट ऐसा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी बॉडी, देखो हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी बॉडी मतलब कोई भी चीज ले लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी बॉडी अबाउट एनी एक्सिस, कोई भी एक्सिस ले लो, अबाउट एनी एक्सिस इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए पैरेलल एक्सिस, ध्यान दो हाँ, अबाउट ए पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। देखो सेंटर ऑफ मास का एप्लीकेशन आ गया, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड द प्रोडक्ट ऑफ मास विथ स्क्वेयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस। अब तुम कहोगे सर ये तो बहुत ही मतलब लेंदी हो गया, इसको मैं एकदम एक इक्वेशन में लिखता हूं सिंपल, किसी भी चीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एक्सिस के अराउंड, कोई भी एक्सिस हो, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू सम ऑफ व्हाट इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अनदर एक्सिस दैट इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, अबाउट अनदर एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, मतलब इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, जिसको मैं बोलूंगा ICM। याद रखो ये एक्सिस क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए ओरिजिनल एक्सिस को, पैरेलल, कोई भी एक्सिस नहीं चलेगा, पैरेलल ही चाहिए, ठीक है। और इसका जो मास है, इस चीज का मास, मास मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, मतलब I इज इक्वल टू ICM
प्लस एम इंटू डी स्क्वायर, यही इक्वेशन है जो रिप्रेजेंट करता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम को। ये है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अच्छा एक काम करो भाई, इस स्टेटमेंट को है ना तुम पहले लिख लो यार, तो मैंने स्टेटमेंट को लिखो फटाफट, मैं पढ़ता हूं इफ यू वांट। वो एक्सिस वो ऑब्जेक्ट के बाहर भी हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है एनी एक्सिस, यही तो इसीलिए तो इस थ्योरम के बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। सिंस बाहर रहा तो कैसे घूमेगा वो? ऐसे घूमेगा ना, देखो ये जो चीज है जैसे मोबाइल है, इसका अगर ये एक्सिस रहा तो ये ऐसे घूमेगा, और इधर एक्सिस है तो ऐसे घूम सकता है ना, ये एक्सिस है देखो इसके अराउंड घूम रहा है, दिख रहा है क्या? ऐसे ऐसे घूम सकता ना इसके अबाउट ऐसे। ओके देखो एप्लीकेशन के साथ ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, तुम सिर्फ ध्यान दो, जस्ट पे अटेंशन, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ये लिख लिया क्या स्टेटमेंट? स्टेटमेंट लिख लो भाई पहले, स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेटमेंट तो तुमको बिल्कुल याद होना चाहिए, अगर कोई नींद में भी तुमको पूछ ले यू शुड बी एबल टू रिमेंबर इट। गुड आफ्टरनून संध्या, बेटा लिख लो इसको फटाफट। अभी मैं इसके एप्लीकेशन बताता हूँ, एप्लीकेशन से तुमको ज्यादा क्लैरिटी आएगी, और इसके बेसिस पे ना क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, मतलब पिछले 2-3 साल भी निकाल के देखोगे तुमको क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर मेन्स में भी मिलेंगे, जेई अपने इसमें भी मिलेंगे, क्या बोलते थे प्रीवियस ईयर नीट में भी मिलेंगे। आर्या लेट मी एक्सप्लेन बेटा, प्लीज लिसन, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ओके पे अटेंशन वेरी केयरफुली। सर की खाली इक्वेशन रखना है। हां I is equal to ICM plus M D square. हो गया। आर्या पूछ रहे कि सर ये थ्योरम भी आएंगे, इस थ्योरम के बेसिस पे क्वेश्चंस आएंगे ना बेटा, डोंट वरी मैं प्रैक्टिस करवा के लूंगा, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा, काफी प्रैक्टिस होगी इसके बेसिस पे। देखो ये थ्योरम का मैं एक एप्लीकेशन बताता हूँ, एप्लीकेशन से तुमको सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इमेजिन करो ये एक स्पीयर है, सॉलिड स्पीयर, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, सॉलिड स्पीयर, और तुमको किसी ने पूछ लिया कि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, फाइंड आई, इमीडिएटली तुमको याद आना चाहिए कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम कैसे लगाना है ध्यान दो ना केयरफुली, मैं आराम से बता रहा हूं, मुझे जल्दबाजी नहीं है, तुम भी जल्दबाजी मत करो, आराम से बता रहा हूं। तुम क्या करो, इसको एक पैरेलल एक्सिस ले लो जो सेंटर से जाना चाहिए। अब मुझे बताओ क्या जो मैंने येलो कलर में नया एक्सिस ड्रॉ किया क्या वो पैरेलल है उसको? डेफिनेटली है। क्या वो एक्सिस सेंटर से जा रहा है? हाँ वो सेंटर से जा रहा है। तो क्या उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है? यस वी नो दैट, अपन ने डिराइव किया इसको 2/5 mr², प्रॉपर डेरिवेशन किया अपन ने इसका 2/5 mr². तो यहाँ पे तुम थ्योरम लगा दो, थ्योरम क्या है? I इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वेयर। ये डिस्टेंस कितना है भाई? डी। ये डी डिस्टेंस आर के बराबर हो जाएगा ना, रेडियस के बराबर। तो आई सी एम कितना है? ये 2/5 mr² इंटू एम इंटू ये डी कितना है? डी इज इक्वल टू आर आर स्क्वेयर, ये हो जाएगा 7/5 mr². ये आएगा अपना आंसर। समझे कि नहीं समझे? एवरीबॉडी अंडरस्टूड? ऐसा ही मैंने एक क्वेश्चन दिया तो कर सकते हो एकदम सिमिलर। चलो अगला एग्जांपल तुम करो, ठीक है। फाइंड आई, ये है रुको अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करने दो मेरे को, ये है लेट अस से डिस्क, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? एन एक्सिस दैट इज टेंजेंट टू डिस्क, टेंजेंट एंड परपेंडिकुलर टू डिस्क, एक्सिस इज
टेंजेंट एंड परपेंडिकुलर टू डिस्क। आर यू श्योर? गलती कर रहे हो तुम जल्दबाजी में। यू आर डोंट डू मिस्टेक्स। इसके अबाउट आईसीएम हो जाएगा ना। जिस एक्सिस के अबाउट तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है उस एक्सिस को एक पैरेलल एक्सिस ले लो, ठीक है, और वो जो पैरेलल एक्सिस है वो सेंटर से जाना चाहिए, ये इंश्योर करो। पैरेलल भी होना चाहिए और सेंटर से भी जाना चाहिए। और फिर इक्वेशन लिखो, आई इज इक्वल टू वेरी गुड करेक्ट नाइस करेक्ट। तो यहाँ पे आईसीएम की वैल्यू क्या है? एम आर स्क्वायर बाय टू एम इन टू डी स्क्वायर कितना यहाँ पे आर एम आर स्क्वायर, तो वन बाई टू एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर कितना होगा थ्री बाय टू, ये आ जाएगा अपना आंसर। वैसे ही कहाँ पे गलती की थी बेटा तुमने? एडिशन में एडिशन में मिस्टेक कर दी। ऐसी मिस्टेक मत करो। चलो एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, वन मोर एग्जाम्पल। कौन सा एग्जाम्पल दू, कौन सा एग्जाम्पल दू, कौन सा एग्जाम्पल दू? चलो एक अच्छा सा एग्जाम्पल दो, रिंग। मैं अभी एक काम करता हूँ, मैं डायग्राम ड्रॉ नहीं करता, आई विल नॉट ड्रॉ द डायग्राम, वर्बली क्वेश्चन लिखता हूँ, तुम खुद डायग्राम ड्रॉ करो और तुम खुद सॉल्व करो, ठीक है। सेम ये पैरालेक्सिस थ्योरम लगा गया। वॉट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वॉट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग of mass m and radius capital R about an axis, axis देखो मैं कौन सा दे रहा हूं, about an axis that is tangent to ring and parallel to its plane। चलो अभी मैंने डायग्राम नहीं दी, अभी डायग्राम तुमको खुद को ड्रॉ करनी है और तुमको खुद को आंसर बताना है। टू एम आर स्क्वायर कितना, ये रिंग है ऐसी, ये रिंग है, और एक्सिस कैसे पता है क्या एक्सिस ऐसा है? टू एम आर स्क्वायर, पाई एम आर स्क्वायर, नो नो, ये एक्सिस है, टेंजेंट है और उसके टेंजेंट है और पैरेलल टू द प्लेन है। तुमने the wireless device has connected successfully. तुमने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया, कौन से चीज पे, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, लेकिन एक्सिस क्या है, टेंजेंट टू रिंग एंड पैरेलल टू इट्स प्लेन बोला है ना। तुमने परपेंडिकुलर ले लिया, मुझे पता है तुमने ऐसा लिया होगा एक्सिस। ये गलत है, ये वाला एक्सिस नहीं है, जो पैरेलल है उसके प्लेन को पैरेलल है, उसके प्लेन को तो पैरेलल ये है ना भाई। ये देखो ये है ना उसको पैरेलल, इन दोनों में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डी इज इक्वल टू आर हो जाएगा, ठीक है। और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईसीएम कितना है, ऑलरेडी इसके अबाउट एम आर स्क्वायर बाई टू, तो फिर इसके अबाउट कितना आएगा, आई इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर, ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस एम आर स्क्वायर, ये हो जाएगा थ्री बाई टू एम आर स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे? और तुम्हारी गलतियां तुमको समझ में आई क्या? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड योर ओन मिस्टेक्स? एकदम सच सच बताओ, समझ में आ रहा है? और मिस्टेक्स भी समझ में आ रही है, क्या गलतियां हो रही है? यू गेटिंग इट? ओके, तू एक ऐसा क्वेश्चन देखो, डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, डायग्राम्स बहुत मैटर करती है यार, डायग्राम्स मैटर करती है। इवन देखो तुम यहाँ पे भी ये फॉर्मूला बिल्कुल काम करता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक्सिस दे दिया तो फाइंड आई,
रॉड दे दिया ऐसा, ठीक है, और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का, और तुमको ये दे दिया एल बाय फोर, फाइंड आई मास एम और लेंथ एल। चलो सोचो, व्हाट विल यू डू? क्या करोगे भाई? थिंक थिंक थिंक। हाँ बेटा, अभी देखो मुझे पता है कुछ लोग क्या मिस्टेक करने वाले हैं, वो मिस्टेक के हिसाब से दिया है मैंने क्वेश्चन। डू नॉट मेक दैट मिस्टेक, डू नॉट फॉल इन द ट्रैप, ट्रैप में गिरो मत। कार्तिक ने आंसर दे दिया, चलो चेक करते कार्तिक का आंसर सही है क्या। कौन सा थ्योरम यूज करना है? यूज पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करो, ठीक है। पार्थ टमाटर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करो। तनिष्क ने भी आंसर दिया है, देखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है, आई इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम इन टू डी स्क्वायर। लेकिन इसमें कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है बच्चों? वो कंडीशन ये है कि ये जो आईसीएम है ना, ये आपका पैरेलल एक्सिस होना चाहिए, और वो एक्सिस पैरेलल और सेंटर से जाना चाहिए। दूसरी बात, इट शुड पास थ्रू सेंटर। अब मुझे पता है कुछ लोगों ने क्या किया होगा, यही वाला एक्सिस ले लिया होगा। अगर तुमने ये वाला एक्सिस ले लिया, तुमने गलत कर दिया, वो एक्सिस सेंटर से नहीं जा रहा, सेंटर से जाने वाला ये एक्सिस होगा, सेंटर ऑफ मास जाने वाला, और वो कितने दूरी पे है, वो भी एल बाय फोर पे है, तो उसके अबाउट आईसीएम लेना है। तो एम एल स्क्वायर बाय थ्री लेना नहीं है, एम एल स्क्वायर बाय ट्वेल्व लेना है। द पैरेलल एक्सिस शुड पास थ्रू द सेंटर ऑफ मास। तो यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा इसके अबाउट, ये आए, ये आएगा आईसीएम प्लस एम डी स्क्वायर। तो व्हाट इज आईसीएम? एम एल स्क्वायर बाय ट्वेल्व, थ्री नहीं। अगर तुमने एम एल स्क्वायर बाय थ्री लिया है, तुमने गलत किया है, क्योंकि वो पैरेलल एक्सिस सेंटर से नहीं जा रहा, सेंटर से जाने वाला ही एक्सिस लेना पड़ता है, प्लस एम इन टू डी। अभी वो पैरेलल एक्सिस में डिस्टेंस कितना है देख लो, एल बाय फोर, एम एल स्क्वायर बाय फोर स्क्वायर, एम एल स्क्वायर बाय ट्वेल्व प्लस एम एल स्क्वायर बाय सिक्सटीन। अरे ये बाय ट्वेल्व है ना, मैंने गलती से सिक्सटीन लिख दिया। एम एल स्क्वायर कॉमन ले लो, वन बाय ट्वेल्व प्लस वन बाय सिक्सटीन, ये हो जाएगा नीचे 48 आएगा, और तीन और चार सेवन हो जाएगा। आई होप कि तुम सब लोगों को एडिशन आती है, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेवन एम एल स्क्वायर बाय 48, दिस इज द राइट आंसर, सेवन एम एल स्क्वायर बाय 48। गॉट इट एवरीबॉडी? कौन सा बेटा? मतलब वो md स्क्वायर वाला d, वो d ना, l by 4 है ना बेटा, वो ये देखो पूरा लेंथ l है। हां देखो, मैं तुम इधर से l by 4 है, ये देखो, ये बिल्कुल सेंट्रल एक्सिस है, सेंटर ऑफ मास से जाने वाला, ये अपना एक्सिस है जिसके अबाउट अपने को फाइंड करने का है। ये डिस्टेंस कितना आएगा बेटा? l by 2 नहीं ना बेटा, अगर ये l by 4 है और यहां से लेके यहां तक ये l by 2 है, तो तुम ही बताओ अभी ये कितना आएगा फिर? L by 4, L by 4 ही आएगा ना, है कि नहीं? ये टोटल साइज उसकी L है ना? यस सर। गॉट इट? यस सर।
तो ऐसे तुमको डिसीव करने की कोशिश करते जानबूझ के, तो डू नॉट गेट डिसीव्ड। चलो एक और ऐसा क्वेश्चन देता हूं मैं, लेट मी गिव यू वन मोर क्वेश्चन लाइक दिस। एग्जाम में जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं ना। अच्छा लेट मी गिव यू वन मोर एग्जाम्पल। फाइंड आई, ऐसा रॉड देंगे और यहां से उसका डिस्टेंस देंगे और यहां से डिस्टेंस देंगे एल बाई थ्री जानबूझ के, और बोलेंगे फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। चलो बोलो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे तुम लोग। चलो सोचो। स्क्वायर बाय नाइन। आर यू श्योर? स्क्वायर बाय नाइन। आर यू श्योर? तुमने आईसीएम क्या लिया वो बताओ मेरे को। सर यस सर। आईसीएम क्या लिया? एमएल स्क्वायर बाय फोर। फोर एमएल स्क्वायर बाय 36। ये आईसीएम लिया क्या तुमने? एमएल स्क्वायर बाय नाइन सर, वही लिया। हाँ, पैरेलल एक्सिस हमेशा जो है ना वो सेंटर से ही जाना चाहिए, फिर तुमको ये डीड निकालना पड़ेगा। यहाँ पे सॉल्यूशन क्या आएगा? डी एल बाई सिक्स आएगा एल बाई टू माइनस एल बाई थ्री। एल बाई टू माइनस एल बाई थ्री एल बाई सिक्स। डी आ जाएगा एल बाई सिक्स, और फिर तुम यूज कर सकते हो। पैरेलल एक्सिस सेंटर से जाने चाहिए या सेंटर ऑफ मास से जाने चाहिए? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास। चलो आपने स्टेटमेंट में सेंटर ऑफ मास दिया और यहाँ पे आप सेंटर से ले रहे हो। अरे तो यहाँ पे सेंटर और सेंटर ऑफ मास दोनों एक ही है, इसलिए ऐसे बोल रहा हूँ मैं बार बार। लेकिन जब भी मैं सेंटर सेंटर बोलता हूँ, मेरा कहने का मतलब यही होता है कि सेंटर ऑफ मास। मैंने स्टेटमेंट में भी क्लियर कट मेंशन किया है, थ्रू सेंटर ऑफ मास, इट शुड गो थ्रू सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अभी देखो किधर गया ये। हाँ, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो फिर। आईसीएम अपने को पता है कितना है, ML square by 12. ML square by 12 plus M into D कितना दिया? L by 6. L by 6 ना? अभी find किया ना अपन ने D. तो L by 6 का square कितना होगा? ML square by 12 plus ML square by 36. Yes, very good. फिर हो जाएगा? नीचे 36 ही आएगा। ML square upon 36 equals to 4 ML square upon 36. हाँ, ये ऐसा आ जाएगा, सही बात है। 4 ml square by 36, तो नीचे 9 आ जाएगा ना, ml square by 9, ये आ जाएगा अपना आंसर। समझे कि नहीं समझे everybody? Understood? दो एक ऐसा, एक और क्वेश्चन दू क्या ऐसा चैलेंजिंग? चलो नॉन यूनिफॉर्म बॉडी का लेते। ओके चलो ठीक है। Find I, half disk ठीक है, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट, और इसकी रेडियस दी है आर, और इसका मास दिया है कैपिटल एम। ठीक है, फाइंड आई, चलो अभी देखो यहां पे तुमको, अरे नहीं गड़बड़ोगे, तुम आई कैसे फाइंड कर लोगे? ये तो यहाँ पे आई फाइंड करना तो इजी है। मुझे लगता है कि मैंने आपको शायद ये बताया नहीं ऑलरेडी। कौन सा? ये वाला पॉइंट। ये जो बच्चों लिसन टू मी, स्टॉप राइटिंग एंड लिसन टू मी। ये वाला जो पॉइंट है, ये आएगा एम आर स्क्वायर बाय टू ही आएगा।
अगर आप कंप्लीट डिस्क लेते हो तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो होता है, इसका फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर बाय टू। और अगर तुमने डिस्क को आधे में कट कर दिया, ऐसे ऐसे हाफ में कट कर दिया, और ये हाफ डिस्क ले ली लेट अस से, ठीक है, ये आधी डिस्क हटा ली, और लेट अस से इस आधी डिस्क का मास स्मॉल एम है, ठीक है, ये आधे डिस्क का मास स्मॉल एम है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, तो इसका भी हाफ एम आर स्क्वायर ही आएगा, लेकिन स्मॉल एम आएगा, मतलब उसका मास लेना पड़ेगा। लेकिन जो एक्सप्रेशन है, जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला नहीं चेंज होता। आप नोटिस करो यहां पे एक्सप्रेशन क्या है, एम आर स्क्वायर बाय टू, यहां पर भी एक्सप्रेशन क्या है, एम आर स्क्वायर बाय टू। फर्क बस इतना है, यहां पे कैपिटल एम है मतलब टोटल मास है, यहां पे स्मॉल एम है मतलब इसका खुद का मास है बस। अच्छा, ये चीज तुमको समझ में आई क्या? सबसे पहले मुझे बताओ, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? अच्छा, तनिष्क बोल रहे हैं कि सर फिर एक बार बताओ, लेट मी एक्सप्लेन यू वंस अगेन। इसको अगर स्टेटमेंट में लिखना है या नोट करना है आपको एग्जाम अपने नोटबुक में, तो ऐसे नोट करो, इफ ए सिमेट्रिकल मास इज कट, इफ सिमेट्रिकल मास इज कट फ्रॉम ए बॉडी, अगर सिमेट्रिकल मास को कट करोगे किसी भी बॉडी से, एक्सप्रेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया डज नॉट चेंज, एक्सप्रेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया डज नॉट चेंज। मतलब क्या, देखो ध्यान दो, मतलब क्या, लेट अस से ये डिस्क है ऐसी, ठीक है, और इस डिस्क में से आपने इतनी स्लाइस कट कर दी, ये स्लाइस, आप जैसे पिज्जा की स्लाइस कट करते हो ना, यू कट अवे द पिज्जा, पिज्जा की स्लाइस जैसे निकालते हो, कुछ लोग बोलेंगे सर पिज्जा की याद मत दिलाओ, देखो तो पिज्जा तो मुझे भी बहुत पसंद है, अगर ये तुमने स्लाइस कट कर दी, स्लाइस कट करने से पहले जो पूरी डिस्क थी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला था एम आर स्क्वायर बाय टू, स्लाइस कट करने से पहले जो पूरी डिस्क थी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला था एम आर स्क्वायर बाय टू, स्लाइस कट करने के बाद, स्लाइस कट करने के बाद तो सिर्फ स्लाइस ही बचेगी भाई, ये वाली स्लाइस, बस स्लाइस है तुम्हारे पास, ये वाली दिख रही है। अब ये स्लाइस का मास लेट अस से स्मॉल एम, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी ने पूछ लिया तो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी ने पूछ लिया तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला है यही रहेगा, फॉर्मूला यही रहेगा, ये बोल रहा था मैं। अब समझा क्या तुम लोगों को जो मैंने बोला? फॉर्मूला चेंज नहीं होता अगर तुम सिमेट्रिकल मास कट करते हो तो, सिर्फ बॉडी का मास तुमको आप लेना पड़ेगा, फर्क बस इतना है। पर वो डिवाइडेड बाय 2 नहीं आएगा ना सर? मतलब बाय 2 क्यों नहीं आएगा? फॉर्मूला तो बाय, फॉर्मूले में बाय 2 है तो यहाँ पर भी बाय 2 आना चाहिए ना। देखो मैं तुमको रॉड के बारे में बताता हूं, देखो एक रॉड है, ठीक है, इसका सिमेट्रिकली मास कट करो, सिमेट्रिकली कट करो मतलब इधर से भी इतना कट करो और इधर से भी इतना कट करो, ठीक है, इसकी ओरिजिनल लेंथ थी कैपिटल एल और इसकी नई लेंथ है स्मॉल एल, अभी नई लेंथ इसकी स्मॉल एल है, तो मुझे बताओ ओरिजिनल फॉर्मूला क्या आएगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, लेट अस से इसका ओरिजिनल मास कैपिटल एम है, ये मास स्मॉल एम है, तो ओरिजिनल तो आएगा एम एल स्क्वायर बाय 12, एम एल स्क्वायर बाय 12, अब मैंने सिमेट्रिकली मास कट किया तो अभी इसका फॉर्मूला क्या आएगा यार मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, स्मॉल एम स्मॉल एल स्क्वायर बाय 12, फॉर्मूला तो वही रहेगा ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो वही है ना, ऑब्जेक्ट का शेप तो वही है ना, आप मेरी बात समझ रहे हो क्या? तो ये जो पिज्जा का स्लाइस आ रहा है क्योंकि वो मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है ना, राइट, अभी तुमने पॉइंट की बात की, द नेचर ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम इन बोथ केसेस, एकदम करेक्ट, एसर्शन रीजन में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसा क्वेश्चन मुझे व्हाई इज दैट सो, दोनों के फॉर्मूले सेम क्यों आ रहे, क्योंकि नेचर ऑफ मास
डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम, बराबर बोला तुमने, सेम इन बोथ केसेस, दोनों केसेस में मास डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका सेम है, इसलिए फॉर्मूला भी सेम रहेगा। पॉइंट समझे क्या? ओके, श्रीराम बोल रहा है कि अगर हमने रॉड को एंड से घुमाया तो, बेटा रॉड को एंड से घुमाया तो फिर तो ऐसा हो जाएगा ना, वो ये तो एम एल स्क्वायर बाय थ्री है ना, ये तो पक्का आपने ऑलरेडी पता है, ये वी ऑलरेडी नो दिस राइट। ओके, तो अगर ऐसे सिचुएशन कहीं पे आ जाए तो नेवर फॉरगेट दिस। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। पिज्जा का स्लाइस जो है उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्क का मास डिस्ट्रीब्यूशन सिमिलर है, इसलिए दोनों का एक्सप्रेशन भी सिमिलर। ओके, तभी मैंने जब ये क्वेश्चन दिया तो मैं समझ गया यार ये तो बात हुई नहीं। एक और चीज बोलता हूं मैं आपको, अगर रॉड को ऐसे घुमाया तो, सपोज ऐसे, ऐसे घुमाया तो, ऐसे भी घुमा सकते हैं ना अपन, ऐसे, अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? लेट अस से ये एंगल अल्फा है। नाउ फाइंड आई, इसकी लेंथ एल है, मास एम है, अब क्या आएगा बताओ क्या? मैं बोलूं कि आप बताते हो? सर हम निकाल दे सर दोनों। अरे फाइंड नहीं, डायरेक्ट आ जाएगा, कैसे पता है क्या? मुझे बताओ, अगर ये सीधा स्ट्रेट होता तो तुम आंसर क्या बोलते, मुझे बताओ प्रथमेश। अगर ये डायरेक्ट ऐसा होता तुम क्या बोलते? ml स्क्वायर, क्योंकि क्योंकि ये डिस्टेंस l, हाँ सही बात है, तुम बोलते कि ml स्क्वायर बाय 3 बोलते, क्योंकि एक्सिस से कितना दूर तक मास है l, तुम यहां पर देख लो कि एक्सिस से कितना दूर तक मास है, ये कितना दूर तक है, ऐसा ट्रायंगल बनेगा, ये एल है, हाँ ये अल्फा, अल्फा के अपोजिट क्या होगा, एल साइन अल्फा, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू एम बाय थ्री स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, यस ये आएगा एम एल स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय थ्री। रिजोल्यूशन करके भी हो सकता है, दिस इज द आंसर, वैसे ही किया समझो, वैसे ही किया। तो ये मुद्दा सबको समझ में आ गया, बस एग्जाम में एक चीज का ध्यान रखने का, एंगल कौन सा दिया है, ये वाला दिया इसलिए साइन अल्फा आया, ये वाला दिया होता तो बेटा तो कॉस आता, तो एंगल कौन सा दिया, उन्हें तो बस सर ने बोला है साइन स्क्वायर अल्फा तो साइन स्क्वायर अल्फा, ऐसी जल्दबाजी नहीं करने की। गॉट इट? ओके, कीप दिस इन माइंड। तो चलो अपन वो डिस्क वाले क्वेश्चन पे जाते, तुम वैदे तुम बोल रहे थे ना बेटा कि असिमेट्रिक बॉडी के बारे में बताओ, है कि नहीं, उसका एक क्वेश्चन ले क्या, असिमेट्रिक वो टेस्ट में जो बैट वाला क्वेश्चन आया था ना वैसा, सेंटर ऑफ मास अलग है उसका और मिडल अलग है ज्योमेट्रिकल, और फिर उसका 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 ज्योमेट्री का सेंटर अलग है और उसका सेंटर ऑफ मास अलग है, और फिर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ चुका है, आई थिंक जेई के पेपर में आया था, क्वेश्चन ऐसा था कि एक हाफ डिस्क है, ठीक है, ऐसी हाफ डिस्क है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था अबाउट दिस एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, ऐसा क्वेश्चन था, फाइंड आईसीएम, और इसका मास दिया था एम, इसकी रेडियस आर, अब इसमें क्या करोगे, अब एक्सिस तो जा रहा है सेंटर ऑफ मास से, अब बताओ क्या करोगे, हाँ बेटा तो सेंटर ऑफ मास का आएगा सर, वही आएगा ना, डिस्टेंस तो जीरो है, किसने कहा सर डिस्टेंस जीरो है, सर
नहीं अभी तुमको ऐसा करना चाहिए, यहाँ का एक्सिस है ना ये लेना चाहिए, यहाँ पे एक एक्सिस जो यहाँ पे ऐसे राइट, और इसके अबाउट तुमको पता है सेंटर ऑफ मास पे जाना चाहिए ना हमारा एक्सिस। सही बात है तो हाँ सही बात है, तुम सही बोल रहे हो, मेरी तरफ ध्यान दो, तुम्हारा ये सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, ये नहीं जा रहा ना, ये जा रहा है सेंटर ऑफ मास से, ये नहीं जा रहा, ये हमको पता है, वी नो दिस, ये हमको नहीं पता ना, वी डोंट नो दिस। आईसीएम पता है क्या अपने को, अपने को फाइंड करने का है ना ये, तो मैं वैल्यू पुट करके फाइंड करूं क्या इस इक्वेशन में? यस बोलो या ना बोलो, समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझा सर। अरे बेटा मैं पूरा क्वेश्चन फिर से समझाता हूँ तुमको, पूरा क्वेश्चन, क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन ऐसा है कि आईसीएम फाइंड करो, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, आईसीएम फाइंड करो। चलो कौन कैसे फाइंड करोगे बताओ, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस passing through center of mass and perpendicular to half disk, ऐसा question। okay, अब तुम बताओ कि मैं क्या दिमाग लगा सकता हूं यहाँ, और parallax theorem यहाँ पे कैसे apply किया जा सकता, you tell me, या तुम सोच लो। हमें वो distance ढूंढना पड़ेगा, center of mass और वो axis यहाँ पे intersect कर रहा है। देखो वो डिस्टेंस, क्या हमें आईसीएम पता है पहले ये बताओ मेरे को, डू वी नो आईसीएम, यस और नो? नहीं पता हमें आईसीएम, वही तो फाइंड करना है ना, नहीं तो क्वेश्चन ही नहीं देता मैं, पता होता तो, पता होता तो मैं क्वेश्चन क्यों देता, मैंने दिया इसलिए क्योंकि पता नहीं है। सही बात है, अभी हमें आईसीएम फाइंड करने का है, लेकिन हमें ये तो पता है ना कि एक दूसरा एक्सिस यहां से लिया तो उसके अबाउट कितना आएगा, ये तो पता है ना हमें, राइट? तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता I इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वेयर? बोलो भाई यस और नो। तो वो I अपने को पता है इसलिए आपने वो I, हाँ ये I मेरे को पता है, ये D मेरे को पता है, तो मैं ये फाइंड कर पाऊंगा ना। यस सर, यस सर, मेरे को आई सी एम फाइंड करने का है, तो ICM फाइंड करने के लिए मुझे इक्वेशन चाहिए, वो इक्वेशन ये मेरे सामने है पैरालैक्सिस थ्योरम का, उसके लिए मुझे I पता होना जरूरी है ना, तो एक I मैंने अभी अभी नहीं निकाला, ये हाफ डिस्क वाला ये फॉर्मूला, ये देखो मैं कब से तुमको क्या समझा रहा था, हाफ डिस्क वाला फॉर्मूला सेम रहता है, राइट? तो चलो बताओ ये फॉर्मूला, हाँ ये I का फॉर्मूला क्या है बताओ मेरे को, 1/2 mr2, करेक्ट। ICM मेरे को पता है क्या? नहीं, उसको वैसे रखता हूं मैं, m into d, क्या मेरे को ये d डिस्टेंस पता है? हाँ सर, h/3। ना 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 ना, ना। भूल गए क्या, सेंटर ऑफ मास पढ़ाया था मैंने, डिस्क का डिराइव किया था अपन ने, लगे पेज पलटने भूल गए, 4r/3π, वेरी गुड, 4r/3π, इसलिए ये सब कुछ याद होना चाहिए, ये आएगा 4r/3π का होल स्क्वायर। इससे आईसीएम निकालने के लिए इसको इधर लेके जाओ, एमआर स्क्वायर बाय 2 माइनस ये आएगा 16r² / 9π² इज इक्वल टू आईसीएम, अल्टीमेटली आ जाएगा ये आईसीएम इज इक्वल टू एमआर स्क्वायर कॉमन ले लो, ब्रैकेट में बचेगा 1/2 माइनस 16r² / 9π² अब मुझे ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे। लेकिन तुमको ये समझा गया कि मैंने मोमेंट ऑफ, ये जो फॉर्मूला है ये कैसे तरीके से लगाया, अंडरस्टूड? हाँ सर। ओके, तो ये मुझे ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन याद आ गया इसलिए मैंने दे दिया। चलो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस फाइंड करने के लिए, सिर्फ दो कंडीशन याद रखनी है, दोनों में से जो एक एक्सिस है, एक तो दोनों पैरेलल होने चाहिए और एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से जाना चाहिए। अभी सवाल उठता है कि सेंटर ऑफ मास से ही क्यों जाना चाहिए,
इस सवाल का जवाब है उसके प्रूफ में, तो हमें अभी इसका प्रूफ देखना चाहिए, जो अपन ने अभी पैरालेक्सिस थ्योरम देखा ना, इसका प्रूफ। लेट मी गिव यू द प्रूफ ऑफ पैरालेक्सिस थ्योरम, बहुत इजी प्रूफ है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ध्यान दोगे इमीडिएटली समझ जाओगे, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने लास्ट टाइम लास्ट लेक्चर में परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के प्रूफ को 3 बार लिखने को कहा था, तुम लोगों ने लिखा क्या? डिड यू राइट इट डाउन एवरीबॉडी? यस सर। ओके, डोंट लाई टू मी और एनीबॉडी एल्स और योरसेल्फ, ठीक है, सच में लिखो, मैं बोल रहा हूं तो फायदा ही होगा उसका। देखो इसका प्रूफ क्या आएगा, देखो हाँ, एक बॉडी कंसिडर करो जनरल, ये उसका सेंटर ऑफ मास है और ये जनरल एक्सिस है, ठीक है, ये उसका सेंटर ऑफ मास है, और एक एलिमेंट ले लो यहाँ पे, लेट अस से डीएम। अच्छा मुझे बताओ, किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड किया जाता है? तुमको उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए ना, आर, सही बात है ना? क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल डीएम आर स्क्वायर? पहले मुझे बताओ ये मैंने सही लिखा क्या? Everybody, प्रथमेश? Yes, sir. Okay, चलो ये मैंने सही लिखा। सिमिलरली अगर मुझे ICM फाइंड करना है तो लेट अस से इसको क्या मानू यार मैं, ये वाला डिस्टेंस, इसको क्या लू, आप लोग बताओ क्या लू मैं इसको? Sir, X. नहीं X नहीं, इसको एक काम करता हूँ मैं, इसको XYZW ए बी सी डी, डी पकड़ के, नहीं डी नहीं, डी तो हमें ये वाला डिस्टेंस लेना है ना, अपने को डी वाला ये डिस्टेंस लेना है, ये डिस्टेंस डी है अपने लिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन पी, क्यू क्यू ले लेता हूँ, चलो क्यू, ये डिस्टेंस लेट अस से क्यू है, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, आई सी एम इज इक्वल टू इंटीग्रल डी एम इंटू क्यू स्क्वेयर, डेफिनेशन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, एग्री? तनिष्क, साक्षी, ऋतुजा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन है ये, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ICM। चलो भाई ये देखो, अभी ये और ये, लेट अस से ये डिस्टेंस है y और ये डिस्टेंस है x, क्योंकि ये इसके कोऑर्डिनेट्स है, एक्स कॉमा वाई, सेंटर ऑफ मास से कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई, ठीक है, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, कैन आई से दिस, व्हाट कैन आई से फ्रॉम दिस ट्रायंगल, क्यू स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बोलो यस और नो एवरीबॉडी? ओके करेक्ट है, मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा ना, ध्यान दो हाँ, प्रूफ है ये, एक बार समझ में आ गया हमेशा के लिए याद हो जाएगा, मेरे पास ये भी है और ये भी है, अब मैं ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेने वाला हूं, कौन सा पता है क्या, ये वाला, ये और ये दिख रहा है, ये ट्रायंगल, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, दिख रहा है क्या? ओके अभी देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेनस है, देखो ये वाला पार्ट है वाई, ये वाला पार्ट है डी प्लस एक्स और ये वाला पार्ट है आर, तो मैं ऐसे बोलू, ये जो आई है ये पहला इक्वेशन, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल डीएम आर स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रल डीएम आर का स्क्वायर होगा वाई स्क्वायर प्लस डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एग्री? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम बहुत हेल्पफुल है यार, हमेशा लगता है, प्रूफ की तरफ ध्यान दो हाँ एवरीबॉडी, पे अटेंशन, अब ये होगा वाई स्क्वायर प्लस इसका एक्सपेंशन करो डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू डी एक्स, ओके, इसमें भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, इक्वेशन नंबर टू, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज क्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डीएम इन ब्रैकेट क्यू स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर
प्लस टू डी एक्स, आप तीनों को सेपरेट कर दो, इन तीनों को, तीन इंटीग्रेशन हो जाएंगे ये, इंटीग्रेशन डीएम इंटू क्यू स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन डीएम इंटू डी स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन डीएम इंटू टू डी एक्स। ओके ओके, ये जो पहला इंटीग्रेशन है डीएम इंटू क्यू स्क्वायर, ये वाला है, ये आईसीएम दिख रहा है, डीएम इंटू क्यू स्क्वायर, ये होगा आईसीएम। ये वाले में डीएम वैसा रहेगा, डी कांस्टेंट है, ये दो एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है ये कांस्टेंट है, देखो ये डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस, तो वो डिस्टेंस कांस्टेंट बाहर ले लो, इंटीग्रेशन में बचेगा डीएम, ठीक है, प्लस यहां पे भी टू डी कांस्टेंट है बाहर ले लो, इंटीग्रेशन बचेगा एक्स डीएम, ये होगा आईसीएम प्लस डी स्क्वायर कॉन्स्टेंट, सिर्फ इंटीग्रेशन डीएम होगा एम एम डी स्क्वायर, सिर्फ इंटीग्रेशन डीएम होगा मास, ओनली मास, और ये वाला आ जाएगा अपने आप जीरो। ये आ गया आपका प्रूफ, हेंस प्रूफ। अब तुम बोलोगे सर आपने ये वाला कैसे जीरो किया, तो मैं बोलूंगा आंसर लाने के लिए जरूरी था, ऐसी कोई बात नहीं है, ये जो मैंने जीरो किया ना इंटीग्रेशन एक्स डीएम, ये मैंने इसलिए जीरो किया क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास की प्रॉपर्टी है। अरे ये सीरी ऑन हो गई, प्रॉपर्टी ऑफ सेंटर ऑफ मास। आखिरी के दो स्टेप क्या, अच्छा ये समझा कि ये मैंने कैसे पुट किया, ये पहले वाला, ये वाला, ये बोलो यस और नो, ये समझो, ये पहले लिखा था यहाँ पे, ठीक है, ओके, इंटीग्रेशन डीएम क्यू स्क्वायर इज आईसीएम। अच्छा ये वाले में क्या किया मैंने, ये डी कांस्टेंट है, ये डी मैंने बाहर ले लिया, डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सेस, सिर्फ इंटीग्रेशन डीएम क्या होगा प्रथमेश मुझे बताओ, ओनली इंटीग्रेशन डीएम क्या होगा, ओनली एम ना, तो ये एम डी स्क्वायर हो गया फिर, ठीक है, यहां तक ठीक है, नाउ इज इट ओके। अरे बेटा यस बोलो या नो बोलो, अरे बोलो यार जोर से बोलो, मुझे कैसे समझेगा, बोलो यस और नो, नो तो नो, यस तो यस, समझा, ठीक है, हाँ, इंटीग्रेशन डीएम इज एम और ये डी डी, और ये वाला जो है ना ये अपने आप जीरो हो जाता है क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास की प्रॉपर्टी है, क्योंकि अगर आप सेंटर ऑफ मास से कोई भी कोऑर्डिनेट लेते हो, एक बॉडी ऐसी, ये सेंटर ऑफ मास है, यहां से x डिस्टेंस, x एक्सिस लेते हो कोई भी, तो इंटीग्रेशन x dm, क्योंकि तुम इसको जीरो मान के चल रहे हो ना, याद करो सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करते हैं अपन, इंटीग्रेशन x dm अपॉन इंटीग्रेशन dm, याद है क्या, यहां पे तुम्हारा सेंटर ऑफ मास ही जीरो पे है ना, वही से तो कैलकुलेट कर रहे हो तुम, तो ये भी जीरो हो जाएगा ना फिर, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसीलिए तो वो जो दूसरा एक्सिस है वो सेंटर ऑफ मास से जाना जरूरी है, क्योंकि वो दूसरा एक्सिस सेंटर ऑफ मास से जाएगा तो ही तो ये तीसरी टर्म जीरो होगी, सेंटर ऑफ मास के प्रॉपर्टी की वजह से वो तीसरी टर्म जीरो हो रही है, देख लो सेंटर ऑफ मास की प्रॉपर्टी मैंने नीचे लिखी है। कौन बोल रहा है, ये तनिष्क बोल रहा है, ऋषिकेश बोल रहा है, सर अगर आपने डीएम आई प्राइसियम के बीच में लिया तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता बेटा, तो भी ऐसा ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो मैं फटाक से फिर से बोलता हूँ एकदम स्पीड में, ताकि फिर से तुमको अच्छे से समझ में आए। देखो ये बॉडी है, ये आई, इसके अबाउट निकालने का है, यहां से डीएम ले लो, यहां से डिस्टेंस आर होगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रल डी एम आर स्क्वायर आएगा, ये तुम्हारा सेंटर ऑफ मास है, ये तुम्हारा सेंटर ऑफ मास का एक्सिस है, ध्यान दो भाई केयरफुली, ये डिस्टेंस तुमने ले लिया Q, और ये डिस्टेंस है तुम्हारा D, ये तुम्हारा X कोऑर्डिनेट, ये तुम्हारा Y कोऑर्डिनेट, इससे क्या हो गया, इससे आर स्क्वायर आ गया, आर स्क्वायर इक्वल टू डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वो मैंने यहां पे पुट कर दिया,
ये हो गया इंटीग्रल डी एम इन ब्रैकेट, इसका एक्सपांशन करो डी स्क्वायर प्लस टू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इससे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, ये क्यू स्क्वायर पुट कर दिया मैंने, ये हो गया इंटीग्रल डी एम डी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू डी एक्स, इससे ये वाली जो टर्म थी डी एम इंटू डी स्क्वायर ये टर्म हो गई एम डी स्क्वायर, ये वाली जो टर्म थी इंटीग्रेशन डी एम इंटू क्यू स्क्वायर ये हो गई आई सी एम, क्योंकि तुम सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस लेके स्क्वायर कर रहे हो ना, तो इट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। और जो तीसरी टर्म है ये इसमें टू डी कॉन्स्टेंट है डी एम इंटू एक्स, सेंटर ऑफ मास के प्रॉपर्टी की वजह से ये जीरो हो गई, ये तुम्हारा आ गया प्रूफ आई इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। आप समझा? अभी मैंने सेकंड टाइम एक्सप्लेन किया ये, आई होप कि समझा होगा, इसलिए बोलता हूं मैं इसको तुमको तीन बार लिखना जरूरी है, यू हैव टू राइट इट डाउन थ्री टाइम्स, पहले एक बार देख के लिखो, दूसरी बार भी देख के लिखो, हर स्टेप को समझ के लिखो, और तीसरी बार फिर तुमको बिना देखे भी आना चाहिए, तीसरी टर्म सेंटर ऑफ मास के प्रॉपर्टी से जीरो होगी, इसलिए जो दूसरा एक्सिस है वो सेंटर ऑफ मास से जाना जरूरी है, इट शुड पास थ्रू सेंटर ऑफ मास, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके चलो भाई आज यहीं पे रुकते हैं, 4:10 हो गए, कुछ लोग इसी में बोर हो गए शायद, डेरिवेशन नहीं भी समझा होगा तो तुमको एटलीस्ट एप्लीकेशन तो समझ में आ ही गया होगा राइट, तो एप्लीकेशन की और प्रैक्टिस करेंगे कल और संडे को जो एग्जाम होगा उस एग्जाम में मोमेंट ऑफ इनर्शिया के दोनों थ्योरम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरा आ जाएगा, ठीक है, मतलब इस वीक में पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया खत्म, अगले वीक में अपन नया टॉपिक शुरू कर सकते हैं टॉर्क वगैरह। ओके आज रुके फिर यहाँ पे रोहन बोल रहा है कि सर डाउट्स के लिए भी स्ट्रीमिंग चलने दो, चलो ये लेक्चर तो ऑफिशियली यहाँ पे खत्म हो गया, किसी को कोई डाउट्स वगैरह पूछने, लेक्चर हैज फिनिश्ड ऑलरेडी, यू कैन आस्क डाउट्स। सर तनिष बोल रहा है सर एक्सप्लेन द ट्रायंगल फॉर्म्ड व्हेन डीएम इज इन बिटवीन, देखो बेटा ये जो बॉडी है ना ये तुम्हारा सेंटर ऑफ मास है, इसके बीच में डिस्टेंस डी है और तुमने यहां पे एलिमेंट ले लिया डीएम, ये है तुम्हारा डी, ये है आर और ये है एक्स और ये है वाई, ये वाई और ये है एक्स और ये है तुम्हारा, मैंने क्यू लिया था इसको आई आई सी एम, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल डी एम आर स्क्वायर एंड आई सी एम इक्वल टू इंटीग्रल डी एम क्यू स्क्वायर। सर हाँ बेटा सर वो डीएम को उन दोनों के बीच में लो ना, अरे बेटा डीएम किधर भी लेना, डीएम रैंडम लिया है ना तो किसी भी रैंडम के लिए ये ट्रूथफुल है, ट्रस्ट द ज्योमेट्री। मैंने बीच में लिया ना तो ट्रायंगल क्या बना वही समझ में आया। अरे हाँ तो तू मत बनाना बीच में उसको, क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहा है तू, मुझे बता जो ये डायग्राम ड्रॉ किया इसमें कुछ गलत है क्या, ये समझ में आ गया। हाँ तो इसमें इसको कॉम्प्लिकेट मत करिए, सिंपल है, इट इज वैलिड फॉर ऑल डीएम, कोई भी डीएम ले ले सबके लिए वैलिड है ये, सिर्फ क्या होगा तू बीच में लेगा ना तो प्लस एक्स की जगह वो माइनस एक्स हो जाएगा, लेफ्ट में जाएगा तू, तो समझ रहा है क्या, एक्स एक्स यहाँ पे क्या है पॉजिटिव है ना, तू लेफ्ट में जाएगा तो एक्स निगेटिव हो जाएगा, है कि नहीं, इट इज वैलिड फॉर ऑल डीएम, सारे डीएम लेने पड़ेंगे तेरे को। ओके खुद से प्रैक्टिस करो यार, खुद से प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, तुमको ये डेरिवेशन 2-4 बार लिखना बहुत जरूरी है। साक्षी बोल रही है कि क्वेश्चन भेजे, एक सेकंड बेटा ड्रिंक वाटर,
साक्षी लास्ट चार डिजिट बताओ बेटा. 6192. अच्छा तुमने नोट्स भी भेजे तुम्हारे. अरे वाह नोट्स तो बहुत अच्छे निकाले तुमने, एकदम कलरफुल, वेरी गुड. बेटा ये 7, 5 और 1 ये क्वेश्चन है क्या? Yes, साक्षी ओके. देखो बेटा इसमें क्या है, जो वन नंबर का क्वेश्चन है, रोप ऑफ लेंथ 5 मीटर इज केप्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस. देखो इसकी लेंथ है 5 मीटर की और इसको खींचा जा रहा है 5 न्यूटन से. बेटा इसका एक्सेलरेशन निकाल लो पहले. इसका एक्सेलरेशन क्या आएगा बेटा बताओ तो जल्दी फटाफट. नहीं एक्सेलरेशन इसका मास नहीं पता ना तुमको. लेट अस से इसका मास कैपिटल एम है. चलो आप बताओ साक्षी. साक्षी 5 न्यूटन अपॉन एम आएगा. पांच न्यूटन अपॉन एम ओके. अब देखो बेटा इन्होंने बोला है कि फाइंड द टेंशन इन द रोप एट 1 मीटर फ्रॉम दिस एंड. मतलब यहां पे फाइंड करो ये 1 मीटर डिस्टेंस पे. बेटा ये 1 मीटर डिस्टेंस पे तो मुझे एक बात बताओ, ये इसको खींचने के लिए जो लगेगा वही टेंशन लगेगा ना यहाँ पे. मतलब ये वाला पार्ट तुमको लेना पड़ेगा ना. ये जो येलो वाला पार्ट मैंने लिया इसका मास कितना आएगा बेटा? अगर इसका मास कैपिटल एम है तो इसका मास कितना आएगा? कैन यू गेस? इसका मास 4m/5 आएगा ना, क्योंकि 5 में से 4 पार्ट है ना. ये 1 मीटर है ना, ये 1 मीटर है तो ये कितना मीटर है? 4 मीटर ना. तो 5 में से 4. तुम मेरी बात को समझ रहे हो क्या? दिमाग के ऊपर से यार. समझा ना, ये ऐसे 5 मीटर का है तो 5 मीटर में से तुम 4 मीटर ले रहे हो. मतलब 5 में से 4 ले रहे हो ना, तो 4/5 ऑफ एम. तो अभी यहां पे टेंशन कितना आएगा? टेंशन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट? इसका मास कितना है? 4m/5 और इसका एक्सेलरेशन कितना? एक्सेलरेशन वही है जो पूरे रोप का है, 5/m. m और m कैंसिल, 5 एंड 5 कैंसिल, ये आएगा 4 न्यूटन. समझा बेटा कैसे आया? ओके साक्षी यस बोलो या नो बोलो बेटा. यस सर. अच्छा ये हो गया. फिर उसके बाद तुमने एक और एग्जांपल दिया था, दो बॉडीज है ऐसी, एक है 4 kg, उसमें रॉड लगा हुआ है शायद, और दूसरी है 6 kg और इसको खींचा जा रहा है 60 न्यूटन से, ठीक है? अच्छा स्ट्रिंग के बीच में उस, और स्ट्रिंग का भी मास दिया है 2 kg. तो इसमें टेंशन कितना है निकालो. टेंशन एट पॉइंट ए, एट पॉइंट बी, एट पॉइंट सी. बेटा मुझे बताओ क्या तुम पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन बता सकते हो क्या मेरे को? साक्षी 60/10. 60/10 करेक्ट. 10 kg. नहीं, 12 kg ना बेटा. ये 6 किलो है, ये 2 किलो. तुम रोप का 2 किलो भूल गए ना. ये आएगा 5 m/s². अब अगर तुम्हें यहाँ का टेंशन निकालना है जो कि ए पॉइंट है, उसके पीछे कितना मास है वो ले लो. ये 4 kg है और ये रोप है पूरा का पूरा. ये ए पॉइंट का टेंशन आएगा TA इज इक्वल टू 2 kg. तो ये आएगा TA इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है? ध्यान दे रहे हो? मास कितना है यहाँ पे? 6 और एक्सेलरेशन कितना है? 5, 30 न्यूटन.
Got it? Yes, sir. Hello. Doubts for the Okay, नीचे यहां पे टेंशन निकालने का है, यहां पे बी बी पॉइंट पे कैसे करोगे? देखो ये 4 kg है, ये टी बी, ये 2 kg है। टी बी कितना आएगा? अगेन मास इंटू एक्सेलरेशन। बेटा यहां पे मास कितना है? अब बताओ तो मास कितना है अभी? 4 और 2, 6 और एक्सेलरेशन फिर से 5। अरे रे सॉरी, ये 1 kg आएगा, ये आधा रोप है ना, ये 1 kg आएगा, ये आधा रोप है, तो ये हो जाएगा मास 5 kg हो जाएगा, 25। ओके तो मुझे लगता है वो ये पॉइंट का भी तुम निकाल ही लोगे वैसे, सी पॉइंट। ओके और उसके नीचे का मुझे लगता है सूडो फोर्स है उसमें। और किसी का डाउट है क्या भाई? उसके नीचे इन अबव क्वेश्चन इफ लिफ्ट मूव्स, बेटा ये अबव क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5 भी भेजा तुमने, अबव क्वेश्चन भेजा ही नहीं। और कौन है भाई, और किसी का डाउट है? वो बाद में भेज सकते हैं। हाँ ठीक है, ठीक। एनी अदर डाउट वैदे ही ऋषिकेश? चलो फिर रुकते आज यहाँ पे, मस्त पढ़ाई करो, कल प्रैक्टिस करेंगे मस्त, पूरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के एकदम अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकाल के ना जबरदस्त प्रैक्टिस करेंगे कल। चलो गुड डे एवरीबॉडी।